हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कुछ इस तरह के पिक एडिटिंग के बारे में और अपने फ़ोटो को HD क्वालिटी में कैसे सेव करें। कुछ लोग पिक को एडिट कर तो लेते हैं बट फुल HD में सेव नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस तरह के पिक एडिट करने के लिए आपको 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पहला PicArt, दूसरा स्नैपसीड, तीसरा Lightroom। मैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या आप अपने प्ले स्टोर से नाम सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने पिक को शेयर कर लेंगे स्नैपसीड में। स्नैपसीड में शेयर करने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्टिव टूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मेरा फेस पे जिस एरिया में डार्क है उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने फेस को सिलेक्ट कर ले जिस एरिया में डार्क है और यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। अपने आप अपने फेस के हिसाब से रख सकते हैं, अपने हिसाब से कितना आपको लाइट चाहिए फेस पे। मैं इसको 50 कर लेता हूँ। इतना करने के बाद फिर से टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से पोर्ट्रेट को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फेस स्मूथ लाइट को पूरा 0 कर लेंगे। स्किन स्मूथिंग इसको हम कर लेंगे 50 के करीब में कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अब आप यहाँ से शेयर कर ले इसे Lightroom में। Lightroom में मैंने फ़ोटो को इंपोर्ट कर दिया, अब यहाँ से Lightroom में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने फ़ोटो को Lightroom के अंदर ओपन कर लिया। Lightroom के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ऑटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको मिल जाता है ये मिक्स टूल्स का ऑप्शन, ये ऊपर में आपको मिल जाएगा मिक्स टूल्स का ऑप्शन, इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे फर्स्ट में आता है ये रेड कलर, इसका सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सेकेंड वाले ऑप्शन को सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे, ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद आ जाएंगे येल्लो वाले कलर पर, येल्लो वाले कलर पर सेचुरेशन को कर लेंगे 50 के करीब कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे ग्रीन वाले कलर पर, ग्रीन वाले कलर को सेचुरेशन को कर लेंगे पूरा फुल, वाई को कर लेंगे पूरा माइनस। उसके बाद आ जाएंगे स्काई वाले कलर पे, इसको सेचुरेशन कर लेंगे पूरा फुल। उसके बाद आ जाएंगे ब्लू वाले कलर पे, इसको सेचुरेशन कर लेंगे 50 के करीब कर लेंगे, वाई को हल्का सा माइनस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। उसके बाद आ जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, कलर के बाद आपको मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन। वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, DH को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, विग्नेट को थोड़ा सा कम करेंगे। अब जैसे कि आप पहले देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। अब यहाँ से कर लेंगे, आ जाएंगे डिटेल का ऑप्शन पे। डिटेल के ऑप्शन पे आने के बाद शार्पिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मेन स्क्रीन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, नॉइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कलर को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, स्मूथनेस कर लेंगे पूरा फुल। उसके बाद HD में फ़ोटो कैसे सेव करें। HD में फ़ोटो सेव करने के लिए ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन को दोनों को इनेबल कर लीजिएगा। दोनों ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ से कर लेंगे फ़ोटो को सेव। तो फ्रेंड्स, हमारा पिक हो गया यहाँ से सेव। अब इसे ले चलेंगे यहाँ से PicArt के अंदर, गैलरी में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अपने फ़ोटो को ले आए हैं PicArt के अंदर। PicArt के अंदर कर लाने के बाद इसको ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक PNG ऐड करेंगे जो कि सनलाइट का PNG है।
वो PNG कहाँ से डाउनलोड करना है मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको। तो हमने ये PNG को ऐड कर लिया, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे ब्लेंड का ऑप्शन पे। ये ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इसे क्लिक करने के बाद इसको कर लेंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको ऊपर में सेट कर लेंगे, आप अपने पीस के हिसाब से कर लीजिएगा जहाँ पे आपको लगाना हो अच्छा लगे। हमने इसको यहाँ पर लगा लिया। ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सनलाइट है वहाँ पे। चलिए अब मेरा फोटो हो चुका है रेडी, यहाँ से कर लेंगे डन। फोटो सेव करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे ड्रॉ टूल में, सबसे इधर आएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे थ्री डॉट पर। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम कर लेंगे अपने फ़ोटो को सेव। और ये मैं बताने वाला था कि आप PNG और ये बैकग्राउंड सब कहाँ से डाउनलोड करें, तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन का डाउनलोड एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन का नाम है Pinterest। ये वाला एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेस को स्मूथ कैसे करें ऑटो एडजस्ट स्केच मोड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।